हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉग्स विद सिस्टिमा। तो गाइस, ये है इवनिंग का टाइम। इवनिंग के 6 बज रहे हैं करीब, और देखिए अंधेरा होने लगा है, हल्का हल्का सा स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे ये हम मैंने आपको बताया था कि शाम को हम लोग नवमी वाले दिन मंदिर जाएंगे, तो बस हम लोग वहीं जा रहे थे। और 8 दिन व्रत रहो तो मंदिर तो 8 दिन तो गए नहीं, तो फिर नवमी वाले दिन हम लोगों ने कहा छुट्टी भी थी तो चलो जाके हम दर्शन करके तो आते हैं। तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे, और बनारस में मैं दिखाऊंगी आपको कितनी भीड़ थी। लंका चौराहे पे इतनी भीड़ है, निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकले थे, फिर मेरे हस्बैंड पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, और शिवाय को तो बस बाहर जाना होता है तो बस बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है। ये देखिए ये आ गए पेट्रोल डलवा के, और हम लोग गए तो वहाँ पे बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ देखिए यही है लंका चौराहे पे, इतना सुंदर लाइट वाइट लगा रखी है। और बस हम लोग जा रहे थे दुर्गा कुंड मंदिर, बनारस का स्पेशल मतलब फेमस दुर्गा कुंड मंदिर। तो जो लोग बनारस में होंगे वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बिल्कुल मेला वगैरह लगा हुआ है एकदम। और ये देखिए यहाँ पे पंडाल लगा हुआ था बिल्कुल जस्ट दुर्गा कुंड के सामने ही, तो बिल्कुल निकलने की जगह ही नहीं थी। तो बस कैसे कैसे बस शिवाय को तो दर्शन करा दिए थे यहाँ पे गोदी लेके, ऐसे नीचे से तो रोक रुकने वाला नहीं था, इतनी भीड़ थी। माताओं बहनों से अनुरोध है कि वो पूजा पंडाल में भीड़ न लगाए। दुर्गा कुंड आपका स्वागत अभिनंदन करता है। बस वही यहाँ पे देखिए यही है दुर्गा कुंड मंदिर का मेन गेट है यहाँ पे। तो देखिए लाइन लगी हुई है बाहर तक पूरी। तो हम लोगों ने अंदर जाके ऐसे ही पीछे के गेट से जाके दर्शन कर लिया था, आगे से तो इतनी भीड़ थी अगर हम लोग लाइन में लगते तो हम लोग 10 बजे तक अंदर पहुँच पाते। तो ये देखिए ये हम लोग पीछे के गेट से आ गए थे, तो वहाँ से अंदर जाके फिर एंट्री थी। तो दर्शन तो हो गए थे बट प्रसाद नहीं चढ़ा पाई थी। प्रसाद चढ़ाने का तो फिर मतलब वही था कि बहुत लेट हो जाता। तो यहाँ पे देखिए अपने सैंडल वगैरह ये लोग रख रहे हैं। और नौमी वाले दिन एक तो छुट्टी होती है तो सारे लोग ही जाते हैं, और उसके अगले दिन दशहरा के दिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी मंदिर में। हम लोग नहीं गए थे, मम्मी पापा लोग गए थे तो वो लोग बता रहे थे कि उस दिन भीड़ नहीं थी एकदम भी। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी। ये देखिए शिवाय को, शिवाय बहुत मस्त रहते हैं जब बाहर जाते हैं तब। तो बस ऐसे ही 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, वो तो बनती है करनी, कहीं जाओ मंदिर वगैरह जाओ तो। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, भगवान की फ़ोटो नहीं खींच सकते थे और ना ही मतलब कहीं भी मंदिर में, बट यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के ले ली थी। ये देखिए मंदिर अंदर का, और ये देखिए यहाँ पे बाहर जो है फव्वारे चल रहे हैं कलरफुल, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे जाके, रात में तो बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है, और हम लोग दर्शन वगैरह करके बाहर निकल आए थे। बाहर भी और मंदिर है मतलब दुर्गा कुंड में ही, तो बस वहीं पे थे हम लोग। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ की चाट खाई थी। ये देखे शिवाय लेके आए हैं एरोप्लेन, और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वो हम लोग हैं संकट मोचन मंदिर के पास में। संकट मोचन के पास में एक चाट वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो टमाटर चाट, बनारस की फेमस टमाटर चाट है, और आलू की टिक्की भी है, लेकिन टमाटर चाट बनारस की बहुत अच्छी है और यहाँ की स्पेशली और भी अच्छी है। तो ये लेकिन हम लोगों ने आलू की टिक्की ली थी, टमाटर चाट नहीं ली थी। टमाटर चाट अगर लेने के लिए रुकते तो 1 घंटे बाद मिलती, इतनी भीड़ थी। तो हम लोग का टाइम 1 घंटे बाद आता, इसलिए हम लोगों ने आलू की टिक्की ले ली थी, और शिवाय ने भी खा ली थी बिना मिर्च वगैरह के। शिवाय की थी तो बहुत अच्छे से खा ली थी, इनको बहुत पसंद भी आई थी।
और ज़्यादा कुछ हम लोगों ने मन नहीं था तो कुछ भी नहीं खाया था, बस टिक्की खाई थी और फिर हम लोग आ गए थे घर। यहाँ पे देखिए हम लोग अपने घर पहुँचने वाले हैं, मोहल्ले में आ गए हैं और जस्ट पहुँच गए हैं बस। और यहाँ पे देखिए सब ने अपने अपने घर की लाइट बंद कर रखी है, बिल्कुल भी अंधेरा लग रहा है कि रात हो गई, बट अभी 7:45 ही बज रहे हैं, रात के 7:45 के 7:30 7:45 ही हो रहे थे। तो बस गाइज अब हम लोग आ गए हैं घर। हेलो गाइज, अभी हो गए हैं इवनिंग के 7:45 और हम लोग मंदिर से दर्शन करके वापस आ गए हैं और जस्ट अभी आए हैं। कपड़े वगैरह भी नहीं चेंज किए हैं, तो मैंने कहा कि पहले अपना जो है अपडेट दे दूं आप लोगों को, उसके बाद चेंज वगैरह करूंगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम लोग 6 बजे गए थे और 7:45 बजे वापस भी आ गए हैं। तो चलिए फिर मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिए, खुश रहिए। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।